वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल मैप टेप में। मैं आपके लिए फिर वही लेके आ गया हूँ जिसके पहले भी लेके आया था, एक नया क्रेडिट कार्ड। जिस वीडियो को आप लोगों ने वो पसंद किया, वैसे मैं एक वीडियो और लेके आया हूँ। एक क्रेडिट कार्ड आज मुझे रिसीव हो गया है, आज मैं उसे आप सामने खोलूँगा, अनबॉक्स करूँगा, देखूँगा उसमें क्या आप लोग देते हैं और प्लस कितनी मुझे क्रेडिट वैल्यू मिलती है और आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मुझे रिसीव हो गया है एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है माई जोन क्रेडिट कार्ड। माई जोन क्रेडिट कार्ड में आपको एक्सिस बैंक क्या बेनिफिट देता है और इसमें मुझे क्या लिमिट मिली है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में, करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। बहुत सिंपल सी पैकिंग होती है, देखिए आर पार सब दिखेगा इसके अंदर कि क्या है इसके अंदर। जो भी कुरियर देने वाला आया उसने फ़ोन करके बताया आपका भाई कार्ड आया है, आके आप रिसीव कर लो, ये चीज़ होता है इसमें। आप सब दिखेगा, आपका नाम होगा, एड्रेस होगा, पिन कोड होगा, दे सकते हैं। बाकी ये पैकिंग ऐसी जल्दी खुलती नहीं है जैसे पैकिंग नॉर्मल होती है, जब खुलेगी तो पन्नी फटेगी। जैसे हम अभी खोलता हूँ मैं, देखिए ये देखो, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए ये पन्नी, इसकी पैकिंग खुलती नहीं जल्दी, इसका यही बेनिफिट है। और ये देखिए हम लोगों ने पन्नी फाड़ ही दिया आखिरकार, और ये निकला हमारा कार्ड, पन्नी किसी काम की नहीं। अब कार्ड है, कार्ड को हम लोग खोलते हैं, एक नॉर्मल सी पैकिंग होगी यहाँ पे। ये हम लोगों ने इसको खोल दिया, सब लाइव चल रहा है आपके सामने, क्योंकि फेक वीडियो भी बहुत यूट्यूब पर बनती है, मैंने देखा है इसमें, मगर मैं आपको ये दिखाऊँगा 100% ट्रू। इसको आप खोलेंगे तो उसके अंदर आपको निकलेगा, आप बाहर निकालेंगे तो इसमें जो है सारे कागज़ ये निकल आएंगे, बाकी लिफाफा होगा, इसको हम लोग अलग रखते हैं। ये हमारा आ गया, ये सिर्फ ओनली फॉर सिंगल पेज रहेगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है उनका। बाकी एक में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है अबाउट फॉर क्रेडिट कार्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें जो इन्होंने जो है कंट्रोल सेंटर का नंबर दिया हुआ है, इनेबल डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल फीचर्स दिए हुए हैं, सेट योर क्रेडिट कार्ड पिन, कैसे आप क्रेडिट कार्ड पिन सेट कर सकते हैं, ये भी कंट्रोल इसमें आपको बताया गया है। उसके बाद इसको रखते हैं हम लोग अलग, और प्लीज़ ये हमारा आ जाएगा। इसमें अगर लिमिट देखी जाए तो इसमें मुझे 54,000 रुपये की लिमिट दी गई है क्रेडिट कार्ड के द्वारा, ये देखिए यहाँ आपको शो कर रहा होगा। और उसके बाद एक कार्ड मिला है माई जोन, इसको हम लोग हल्का सा चिपका हुआ होता है, ये निकला, ठीक है इसको निकाल दिया, ये मेरा कार्ड हो गया एक्सिस बैंक का माई जोन कार्ड हो गया, जिसको आप लोग देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। और इसके अंदर जो है क्या बेनिफिट है, इसमें जो है काफ़ी बेनिफिट बताए गए थे, तो बेनिफिट के बारे में अगर हम बात करते हैं इसके, तो सोनी लिव प्रीमियम एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलेगा फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे, सबसे बड़ी बात ये होगी। दूसरा, अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं सोनी लिव का, आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा कि आप अपने मोबाइल पे, अगर आपका स्मार्ट टीवी है तो आप एक साल के सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसे लाइव यूज कर सकते हैं और आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ देख सकते हैं। दूसरा क्या, 40% अप टू 120 स्विगी, आप 40% तक स्विगी पे आपको ऑफ मिल जाएगा, 120 रुपये अधिकतम 120 रुपये है। ऐसा नहीं कि आपने 1,000 का ले लिया तो आपको 400 का डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं, फिक्स अमाउंट है, 120 के ऊपर नहीं जाएगा, नीचे रहेगा। यही गेम होता है जो क्रेडिट कार्ड होल्डर, बैंक होल्डर जितने भी हैं सब खेलते हैं, और फंसते कैसे हम जैसे कस्टमर, क्योंकि कार्ड को लेके और इनको ब्याज दे के या इनकी द्वारा शॉपिंग करके इनके जाल में फंसते जाते हैं। और तीसरा हो गया बाय वन गेट वन फ्री पेटीएम मूवी, अगर आप इस कार्ड के द्वारा एक टिकट लेते हैं तो आपको एक टिकट फ्री मिलेगा बाय पेटीएम, अगर पेटीएम के द्वारा आप लेते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया फ्लैट 600 ऑफ द आजियो ऑनलाइन जो शॉपिंग है, अगर आप उस पर शॉपिंग करते हैं तो आपको 60% ऑफ मिलेगा, उस पर मैक्सिमम 600 रुपये ऑफ मिलेगा, ठीक है। और हो गया उसके बाद जो है 1% फ्यूल सरचार्ज का वो मिलेगा, जो सभी क्रेडिट कार्ड में है,
फोर जी रिवॉर्ड पॉइंट द फॉर 200 रुपये अगर आप खर्च करेंगे तो आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट इसमें मिलेंगे फ्री, ठीक है। ये इसका पूरा जो है सिस्टम है जो आपको बेनिफिट मिलता है। बाकी जैसे बताया था उन्होंने, जिसके द्वारा मैंने बनवाया था ब्रोकर द्वारा, उसने मुझे बताया था कि ये आप मुझे बताइएगा जब कार्ड ला जाएगा तो मैं इसको लाइफ टाइम फ्री कर दूंगा। वैसे फर्स्ट टाइम 499 शायद इसमें कटता है, लेकिन वो भी रिम्बर्स होता है। जैसे आप जो है 40-50 हज़ार की शॉपिंग कर लेंगे तो रिम्बर्स हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, कंट्रोलिंग आपको मिलती है, ऐप डाउनलोड करके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, आपने कितना पैसा खर्चा किया क्या नहीं किया है। अगर आपको बेस्ट कंट्रोलिंग चाहिए तो आप जो है क्रेडिट डाउनलोड कर सकते हैं, क्रेडिट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके जो है एक्सिस बैंक के कार्ड का जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से प्ले स्टोर से या फिर मेल लिंक के द्वारा जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कार्ड का ऐप भी आपको वहाँ मिल जाएगा। अगली बात करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या आप कॉन्टैक्टलेस मिल जाएगा, आप टच करके जो है इनेबल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इनेबल कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, ये पावर आपके पास मिल जाएगी। जैसे आपको ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना है, जैसे फ्रॉड होता है ट्रांजेक्शन बंद करके रखा है, तो इससे क्या है ना वो ऑनलाइन आपसे फ्रॉड नहीं कर पाएगा। आपको कभी पेमेंट करना है तो आपने उसको ऑन कर दिया और पेमेंट कर दिया, वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा, परमानेंट उसको ऑफ रखिए। मैं तो हमेशा ऑफ ही रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है इनेबल हो गया, कस्टमाइज कार्ड लिमिट हो गया, ब्लॉक अनब्लॉक कार्ड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट द एनी अपग्रेड द रिप्लेसमेंट कार्ड, बाकी सब चीज़ें वही हैं नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है कॉन्टेक्टलेस। बाकी इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे आप टच करके पे करते हैं, जैसा कि ये वाईफाई इनेबल कार्ड है, आप सभी आ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है वाईफाई वाले में कि आप जैसे आप लिमिट लगा देंगे जाके ऐप के थ्रू कि 2000 रुपये, तो 2000 तक आप इसको टच करके पैसा दे सकते हैं किसी को, उसके बाद आपको पिन डालना पड़ेगा। आप चाहे लिमिट 5000, 10000, 50000 कर सकते हैं, वो आपको डिपेंड करता है आपको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो एक्सिस मोबाइल ऐप हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, एक्सिस बैंक ATM हो गया, अप टू 20% ऑफ द पार्टनर, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल ही हैं। बाकी कस्टमर केयर नंबर एक सिंपल सा पन्ना है, बाकी कुछ दिया नहीं है। अगर एक्सिस बैंक का कार्ड आप बनवाना चाहते हैं तो मैं आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ पे अपना नाम मोबाइल नंबर एड्रेस डाल देंगे तो जो है इंक्वायरी आपके पास फ़ोन आ जाएगा एक्सिस बैंक से, और आप वहाँ से आप अपना कार्ड जो वो मांगे, आपको सैलरी स्लिप हो गई या बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस का प्रूफ जो भी लेंगे वो उसके थ्रू आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है और अगर आपसे आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, आपका क्रेडिट कार्ड नहीं बनना है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या DM कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनमें भी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।